नमस्ते, ऋतु रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे करेला फ्राई, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ है 400 ग्राम करेला, यानी तीत करेला हम कहते हैं अपनी भाषा में करेला। तो ये करेला है और एक आलू है, हमने धो लिए दोस्तों। और है लहसुन का लिए और 4 मिर्ची। दोस्तों अब हम करेला को काटेंगे, काटने के बाद भी धोएंगे और काटने से पहले भी हम 10 मिनट भिगो कर रखा और फिर काट रहे हैं। इसका अंदर का बीज को निकाल के फेंक देंगे, बहुत टाइट हो गया इसलिए। दोस्तों करेला को हम बारीक काट लिए, अब इसको 1 चम्मच नमक में रगड़ कर छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। दोस्तों ये 1/2 चम्मच नमक है और नमक लगाकर इसको थोड़ी टाइम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अपना कड़वा पानी छोड़ दे। दोस्तों देखिए ये करेला से पानी कितना छोड़ दिया है। अब इसे साफ पानी से धोएंगे एक बार, नमक लगा कर रखे हैं ना, कड़वा पानी निकल जाएगा, इसलिए साफ पानी से धोना ज़रूरी है। दोस्तों कढ़ाई हमारा गर्म है और 50 ग्राम रिफाइंड तेल है, वो भी गर्म हो चुका है। तो थोड़ा सा जीरा डालेंगे और दोस्तों कटे हुए लहसुन डालेंगे और हम अभी इसमें डालेंगे करेला, जिसको हम धो के रखें। अब डालेंगे एक आलू जिसको बारीक काट लिया, 4 हरी मिर्ची और डालेंगे हल्दी और नमक। दोस्तों 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, बस इसमें और कुछ नहीं जाएंगे, सिर्फ फ्राई करेंगे अभी। इसे अच्छे से मिलाकर 1 मिनट तक और कवर कर देंगे दोस्तों, 1 मिनट तक और कवर। दोस्तों हमारा करेला फ्राई हो चुका है दोस्तों, और बीच बीच में हमने एक बार चेक किए थे तो ये आलू भी सीज गई और करेला भी सीज गई, तो हम इसे डिश आउट करेंगे। दोस्तों करेला फ्राई आपको अच्छा लगा रेसिपी तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। दोस्तों ये गरम गरम चावल और रोटी के साथ आप खा सकते हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।